हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और मैं आज आपको कुछ खाद के बारे में बताने वाली हूँ। एक लिक्विड खाद जो सर्दियों में पौधों के लिए, हर तरह के पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और वो सरसों की खली का लिक्विड खाद है। और मैं उसको आपको बनाना और उसका प्रयोग कैसे करना है वो दोनों बताऊंगी, और जिससे आपके पौधे काफ़ी हरे भरे और काफ़ी फ्रूटिंग पे, फ्लावरिंग पे आएंगे। और सर्दियों के में तो इस खाद से पौधे बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो चलिए मैं आपको उसको बनाना बताती हूँ और मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये सरसों की खली जो ये ठोस है और पपड़ी जैसा है, तो ये ऐसा आपको तेल जहाँ पेड़ के निकालते हैं वहाँ मिल जाएगा, और मार्केट में भी वैसे भी ये बहुत आसानी से 20 से 25 रुपए किलो तक में मिल जाता है, बहुत ही आसानी से। और अगर आप नर्सरी वगैरह से ख़रीदेंगे तो शायद वहाँ थोड़ा महंगा मिल जाए, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। और इस खली को बस 4 से 5 मुट्ठी ऐसे हम अलग कर लेंगे, और इसे 2 से 3 लीटर पानी में भिगो के रखेंगे, और फिर इसको एक हफ्ते के बाद अपने पौधों में डाइल्यूट करके, जैसे 3 लीटर पानी है तो उसके 15 गुना पानी में मिला के सभी पौधों में डाल देंगे। कुछ लोग इसको छान के भी प्रयोग करते हैं, लेकिन छान के फिर बड़ा बवाल हो जाता है डालने में, छानिए फिर उसको, फिर उसका जो बचा हुआ अवशेष होता है उसको क्या करें समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं छानती नहीं हूँ और मैं बस वैसे ही मिला के हर पौधे में डालती चली जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा उसका छिलका या जो भी बचा हुआ अवशेष रहता है सब में चला जाता है, जो बाद में खाद की तरह बन जाता है। और तो फिर चलिए मैं, देखिए 4 से 5 मुट्ठी इसको निकाल ली हूँ, ये करीब 200 ग्राम हो गया है। और इसको मैं जैसे 2 लीटर पानी में भिगा लूँगी, जो मैंने भिगा के रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसमें भिगा के रखी हुई हूँ, और ये 15 लीटर का ये डिब्बा है, तो इसमें मैं इसको डाइल्यूट करूँगी और फिर उसके बाद सभी पौधों में डालूंगी। ये देखिए, ये देखिए 15 लीटर ये बन गया है। इसको मैं और भी ज़्यादा थोड़ा सा और पतला करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही गाढ़ा मिश्रण था, और मैं फिर उसके बाद सभी पौधों में इसको थोड़ा थोड़ा सा करके डालूँगी। और फिलहाल ये जो 2 लीटर का ये डब्बा है, इसमें मैं इतनी खली डाल दूँगी और फिर इसमें पानी भर के रख दूँगी, ताकि 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मैं इसको फिर से पौधों में डाल सकूँ और ये मेरी लिक्विड खाद तैयार रहे। सर्दियों में मैं ज़्यादातर यही डालती हूँ। वैसे तो आपको गोबर के कंडों की भी जो खाद होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, ये खासकर सर्दियों के लिए जो सरसों की खली की लिक्विड खाद होती है ये होती है खासकर सर्दियों के लिए। चाहे फूल के हों, चाहे फल सब्जी जिस चीज़ के भी पौधे हों, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको डाल ली हूँ, अब इसमें मैं पानी भर दूंगी और इसको थोड़ा सा खाली ही रखना चाहिए डिब्बे को, ताकि जब ये फर्मेंट हो, फूले, तो लिक्विड इसका बाहर ना हो जाए, इसलिए इसको इतना ही मतलब थोड़ा खाली ही छोड़ दे रही हूँ मैं। फिर चलिए मैं आगे दिखाती हूँ, इसको हटा दूँ। देखिए अब मैं इसको मिला के जा रही हूँ सभी पौधों में डाल दूँगी और बस इसको मिला मिला के डालना है।
ये देखिए मैं इसको डाइल्यूट कर ली हूँ, बस ऐसे ही एक एक डिब्बा या जितना आपके गमले में आ जाए, वैसे एक डिब्बे से ज़्यादा तो नहीं देना चाहिए क्योंकि बाहर हो जाएगा गमले के, मिट्टी से बाहर हो जाएगा तो वो ठीक नहीं है। और सभी में थोड़ा थोड़ा सा मैं दे दूँगी। ये देखिए मैं सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। ये जो लिक्विड बना के रखा है मैंने, इसको ऐसे मिला लेंगे ताकि सब में एक जैसा पहुंच जाए और सभी में फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और सब सब्जियों के लिए इसमें, इससे अच्छी सब्जियां आपकी बहुत अच्छी बनी रहेंगी और काफ़ी हरी भरी सी और तेज़ी से ग्रो करेंगी। तो चलिए ये देखिए जो धनिया मैंने लगाया हुआ है इसमें भी मैं डाल दूँगी। और मेरी धनिया काफ़ी अच्छी हो रही है और ये हर तरह की, चाहे पत्तेदार सब्जियां हो चाहे बेलदार सब्जियां हो, सभी के लिए बहुत अच्छी खाद है। ये देखिए मूली का कंटेनर है, उसमें भी मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा। और ये टमाटर का, ये लगभग एक महीने में एक बार मैं इसकी लिक्विड खाद ज़रूर डाल देती हूँ ताकि पौधों में अच्छी ग्रोथ बनी रहे। और अभी बंदर के अटैक करने से 15-20 दिन पहले मैं इसको डाली हुई थी और इस वजह से मेरे पौधों में काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग, फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन सब कुछ बंदरों ने नाश करके रख दिया। और क्या बताऊँ सब, ये देखिए मेरी पालक, पालक भी बहुत अच्छी हो रही है, बस मैं इसमें भी डालूंगी और एक हफ्ते के बाद ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगी। इसमें भी मैं थोड़ी थोड़ी सी ये लिक्विड खाद डाल दूंगी। थोड़ा सावधानी से डालना होगा वरना ये सब पौधे पलट जाते हैं, मुलायम होते हैं ना। ये देखिए मेरा मैरीगोल्ड का पौधा है, पीले रंग का है, काफ़ी घना घना सा होगा। अब देखती हूँ इसका फूल कैसा होता है। इसको बीज से हम लोगों ने ग्रो किया हुआ था तो बीज से ही ज़्यादातर पौधे हम लोगों ने ग्रो किए हुए हैं। केवल दो पौधे मैं नर्सरी से ख़रीद के लाई हूँ। ये देखिए जो बंदरों ने ख़राब कर दिया था मेरा पौधा, इसको भी बीज से ही ग्रो किया था हम लोगों ने। और ये थोड़े थोड़े से मेरे जो मैंने, ये पौधा मैंने नर्सरी से ख़रीदा हुआ था जो गेंदे का है, और ये गुलदाउदी मैंने कटिंग से तैयार की थी, और इसमें एक शिमला मिर्च का पौधा लगा हुआ है। और ये पौधा भी गेंदे का मैंने नर्सरी से ख़रीदा हुआ है। यही दो पौधे मैंने नर्सरी से ख़रीदे हैं। इसका कलर बस देखने के लिए कि कलर क्या निकलता है, कैसे साइज का होता है। घना वाला मुझे अच्छा लगता है, लड्डू गेंदा जो कहते हैं। तो चलिए देखती हूँ क्या होता है। मेरी इस पौधे में देखिए गोभी छोटी सी आ गई है, बस बंदर जब इसको बचने दे तब तो ठीक है, क्योंकि एक गोभी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ बंदरों के अटैक करने से पहले। चलिए और पौधों में डालती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा जो गोभी का कंटेनर है मैं इसमें भी डाल रही हूँ। और ये जो पीला पत्ता आप देख रहे हैं, इस पत्ते के नीचे मेरी एक छोटी सी गोभी लगी हुई है, मैं दिखा देती हूँ। और ये देखिए बस बंदरों से बचाने के लिए मैंने यहाँ ढक के रखा हुआ है। और इसके साइड ये जो कोना खाली देख रहे हैं आप, यहाँ से मैंने एक गोभी हार्वेस्ट की हुई है। तो ये गोभी और हर तरह के लिए तो बहुत अच्छी खाद है और इससे काफ़ी मजबूत होते हैं पौधे। और ये देखिए मेरा एक मैरून कलर का हाइब्रिड गुलाब है, काफ़ी सुंदर लगता है, खिलने ही वाला है, काफ़ी बड़े बड़े से और काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं ये गुलाब। और ये बालसम जो बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए और आगे दिखाती हूँ। और जब पौधों में डालें तो थोड़ा मिट्टी सूखी रहे तभी डालें तो ज़्यादा ये काम करता है, क्योंकि तुरंत मिट्टी से ये मतलब पोषक तत्व लेने लगते हैं
और पौधे, और ये देख लीजिए जो खीरे का कंटेनर है, खीरा मेरा तो सब बंदरों ने सब नाश कर दिया है। और ये देखिए मेरा जो करीब 10 इंच के पॉट में, 10 से 12 इंच के पॉट में गैलन कट करके मैंने ये टमाटर लगाया हुआ है, इसमें काफ़ी टमाटर दिख रहे हैं ये देखिए। और कुछ तो बंदरों ने सब तोड़ भी दिया था। और ये जो बास्केट में मैंने टमाटर लगाया हुआ है, इसमें भी टमाटर लगे हुए हैं। और चलिए सब मैं दिखा देती हूँ आपको अभी। देखिए खीरा लगा हुआ है यहाँ पे, 2 खीरा लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए फिर ये देखिए मेरा लेमन ग्रास का पौधा है, मैंने इसमें भी डाल दिया है। और ये मेरा सहजन का पौधा, ये सब बंदरों ने झूल के तोड़ दिया है। ऊपर और लंबा था और हरा भरा था, लेकिन सब बंदरों ने झूल झूल के ख़राब कर दिया है। चलिए देखती हूँ। तो आप अपने पौधों में ऐसे ही इस सर्दी में लिक्विड खाद का प्रयोग कर सकते हैं, और जो अपने पौधों को स्वस्थ भी बना सकते हैं। और ये जो खाद है सर्दियों के लिए खासकर बहुत ही अच्छी होती है। तो मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, और तो मेरे कमेंट्स मेरे चैनल में बने रहें, बराबर आके वीडियो देखते रहें, मेरे जो है चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है, मेरी बगिया आपको कैसी लगती है। और मेरी बगिया को सजाने में मैं जो ट्रिक्स टिप्स आपको बताती हूँ वो आपको कैसी लगती है, तो ज़रूर बताएं और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, बाय बाय।